हाय गाइस एंड वेलकम, मैं हूं बलजीत कौर। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस अभी आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, एक चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें आप वर्ड्स नोटिस करेंगे, LOL, BTW, G28 और GN। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, कई बार कई लोगों को नहीं समझ में आते कि ये क्या है। एक्चुअली ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। ये जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स या एक्रोनिम्स आप बोल सकते हैं या एब्रिविएशंस आप कह सकते हैं इनको। तो काफ़ी लोग होते हैं जो आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं या चैटिंग के दौरान इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। यंग जनरेशन आजकल इन वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ये वर्ड्स नहीं समझ में आते कि इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब हर बार आप हर एक वर्ड के लिए गूगल करने बैठेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सभी ऐसे कॉमन जो यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, उनका मैं आपको बताऊंगी कि मीनिंग क्या होता है, उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आपको देखना होगा ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने कुछ पिक्चर्स अपनी अपलोड की हैं FB पर। FB का फुल फॉर्म है फेसबुक। फेसबुक आपकी कही हुई कोई फनी बात पे अगर आपको LOL रिप्लाई में मिलता है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा हंसी वाली थी। LOL का फुल फॉर्म है लाफिंग आउट लाउड। इसका मतलब सामने वाला आपकी कही हुई बात पे बहुत जोर से हंसा। लाफिंग आउट लाउड। ROFL इसका मतलब भी वही है, अगर आपकी बात कही हुई जो है वो बहुत ही ज्यादा हंसी वाली थी और उसे सुनकर सामने वाला लोटपोट हो गया फर्श पर, तब वो ये वर्ड आपको यूज कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट कर सकते हैं। ROFL मतलब रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, मतलब फ्लोर यानी फर्श पे रोल करते करते वो हंस रहे थे, यानी लोटपोट हो गए थे हंस हंस के। मैं एक टीचर हूँ। बाय द वे आप क्या करते हैं? हम कई बार बोलते हैं ना मैं एक टीचर हूँ, वैसे आप क्या करते हैं, तो वैसे को इंग्लिश में बोलते हैं बाय द वे और इसका शॉर्ट फॉर्म BTW होता है। कोई बात नहीं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेवर माइंड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NVM। NVM इज इक्वल टू नेवर माइंड। IDK, IDK का मतलब मुझे नहीं पता। I don't know यानी मुझे मालूम नहीं है या मुझे पता नहीं है, जिसका शॉर्ट फॉर्म IDK यूज किया जाता है। NOYB, none of your business। ये हम तब यूज करते हैं जब सामने वाला हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, खासकर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, और हम उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे none of your business और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया NOYB। TYSM ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसका फुल फॉर्म है थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। WTH इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट द हेल, मतलब क्या बकवास है। कोई भी चीज आप ऐसी फाइंड करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास सी चीज है, तो हम कई बार बोलते हैं ना व्हाट द हेल, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं WTH। BRB इसकी फुल फॉर्म है बी राइट बैक। अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं और आपको अचानक कोई काम के लिए आपको टेक्स्ट बीच में छोड़ना पड़ रहा है और आपको सामने वाले को ये बोलना है कि आप वहीं रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आया, ये वर्ड यूज कर सकते हैं बी राइट बैक, मतलब आप वहीं पर बैठिए, मैं अभी कुछ ही देर में वापस आ रहा हूँ। CUL का फुल फॉर्म है कॉल यू लेटर, मतलब मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। CUT का मतलब है कॉल यू टुमारो, मतलब मैं तुम्हें कल कॉल करती हूँ। कुछ इसी तरीके से है TTYL, टॉक टू यू लेटर, मतलब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। OMG का मतलब होता है ओ माई गॉड हम बोलते हैं जब हमें कहना होता है ना हे भगवान, तो उसकी जगह इंग्लिश में हम बोलते हैं ओ माई गॉड, इसे शॉर्ट फॉर्म में OMG बोल सकते हैं। ASAP इसकी फुल फॉर्म होती है एज सून एज पॉसिबल, जिसका मतलब है जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, हम बोलते हैं ना जितनी जल्दी हो सके ये काम कर देना, डू इट एज सून एज पॉसिबल। TC यानी टेक केयर, किसी को भी अलविदा कहने से पहले हम ये वर्ड यूज करते हैं टेक केयर, जिसका मतलब होता है कि अपना ख्याल रखना। GR8
इसकी फुल फॉर्म है ग्रेट। ग्रेट का मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया। HAND हैंड, इसका फुल फॉर्म है हैव अ नाइस डे, मतलब आपका दिन अच्छा हो या आपका दिन शुभ हो। JK, यहाँ JK का मतलब जम्मू कश्मीर नहीं है, जे का मतलब है जस्ट किडिंग, यानी ये मजाक था। जब भी आप किसी को कोई बात बोल देते हैं और बाद में हम बोलते हैं ना, अरे यार ये तो सिर्फ एक मजाक था, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं जस्ट किडिंग, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको JK लिख सकते हैं। RIP, ये आजकल काफी ज्यादा कॉमन या फेमस हो चुका है सोशल मीडिया में। इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म इसकी होती है रेस्ट इन पीस। जब भी कोई गुजर जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तब ज्यादातर हम उस दुख प्रकट करने के लिए या खेद प्रकट करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं रेस्ट इन पीस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है RIP। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि FYI का फुल फॉर्म होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है आपकी जानकारी के लिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू दैट FYI स्टैंड्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। PLS, इसे प्लीज बोलते हैं, प्लीज को शॉर्ट फॉर्म में आप PLS बोल सकते हैं। जब भी आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हो और आपको सामने वाले को बहुत सारी पपियां और झपियां देने का मन कर रहा हो, तो अब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं XOXO, जिसका फुल फॉर्म होता है हग्स एंड किसेस। यहाँ पर X का मतलब होता है किसेस एंड O का मतलब होता है हग्स। सो गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, किसी ने मुझे बोला था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपके लिए भी ये उतना ही यूजफुल रहा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं और इससे रिलेटेड और इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड और वीडियोज़ चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।